कायर हुए। एक तो किसान कांग्रेस यहाँ से निकले दंतेवाड़ा तक की यात्रा, दूसरा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार बैठक आहूत की गई, और तीसरा महत्वपूर्ण है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को दुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाई कमान को अधिकृत किया है कि उसमें वो निर्णय ले। ईडी को पत्र है कि जो नाम घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सब के नाम आए हुए हैं, और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसको जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी, और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चीट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था, और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है, और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ये दोनों जाँच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। अब 10 तारीख तक के तो वहाँ रह सकते हैं, उसके बाद तो आना ही पड़ेगा, तो आज जा रहा हूँ 10 तारीख को शाम फिर आ जाऊँगा, आपसे 10 तारीख शाम को मुलाकात होगी जी। देखिए एक बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम दूसरे दलों से अलग हैं, हम अनुशासित हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो उसकी कलई खुल गई। एक बागी प्रत्याशी को प्रधानमंत्री पत्र फोन करना, इसका मतलब यह है कि युद्ध क्षेत्र में जैसे सेनापति की बात यदि सैनिक नहीं माने तो समझ लीजिए युद्ध में पराजय निश्चित है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के सेनापति करता धरता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया, उसके बाद भी उन्होंने बात उसके आदेश मानने से इनकार कर दिया है। 21-21 बागी खड़े हुए हैं, 68 विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं और वहाँ 21 बागी चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसका वो दावा करते थे। सर आज नोटबंदी को 6 साल हो गए हैं, 6 साल में क्या देश फायदा हुआ है? अभी तक के केंद्र सरकार ने गिनती करके नहीं बताया कि कितना रुपया कितने करेंसी है वो RBI में जमा हुआ है, कितना काला धन बाहर आया है इसके बारे में सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जो 50 दिन की बात करते थे आज 6 साल बीतने के बाद भी आज वो काला धन कितना आया ये बताने में अक्षम रहे। तो विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रख रहे थे। राजीव भवन से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे, रायपुर के राजीव भवन के बाहर की तस्वीरें थी जब प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकले और अपनी बात रखी। और हम सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी गौरव शर्मा का। गौरव, आज राजीव भवन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, क्या कुछ अहम जानकारी इस बैठक के संबंध में आपके पास है? क्योंकि माना यह जा रहा था कि इस चुनाव समिति की बैठक में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम फाइनल हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है या फिर और इंतजार करना होगा? देखिए, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी के नाम पर मंत्रणा की गई, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सभी की सहमति इस बात को लेकर थी कि सावित्री मंडावी जो दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की धर्मपत्नी उनके नाम पर सहमति बन जाए और उनको टिकट दे दिया जाए, इसका जो ऐलान है वो एक दो दिन में कर दिया जाएगा। और कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर मुख्यमंत्री के
बयान में सामने आई तो उन्होंने ईडी को दो मामलों की जांच के लिए चिट्ठी लिखी है, नान घोटाले और चिटफंड घोटाले की जांच के लिए सीएम ने सीधे चिट्ठी लिखी और सारा ब्यौरा भी उपलब्ध कराया कि किस तरह से चिटफंड जो घोटाला है वो एक बड़ी समस्या बनी पूरे प्रदेश के लिए। लगभग 6,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग की बात उन्होंने अपने पत्र में कही है। इसी तरह से नान घोटाले के संबंध में भी सीएम ने काफी विस्तृत ढंग से जानकारी दी कि अपने पत्र में उन्होंने जांच के लिए आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हिमाचल के दौरे पर भी रवाना हो रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हिमाचल में क्या स्थिति है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही, इस बात को बताते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मंथन हो चुका है लेकिन एक दो दिन का इंतजार और है, लेकिन क्या सावित्री मंडावी के अलावा क्या किसी और ने दावेदारी पेश की है या फिर कोई और प्रबल चेहरा माना जा सकता है इस चुनाव के लिए? देखिए, सावित्री मंडावी के नाम पर पहले दिन से सहमति बन रही थी और अभी तक के किसी का भी प्रबल दावेदारी उस सीट से सामने नहीं आई है और चूंकि सावित्री मंडावी ने इस्तीफा भी दे दिया अपने सरकारी पद से, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें संकेत मिले हैं और इसी संकेत के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है और अब वो बहुत जल्द उनके नाम का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। चुनाव समिति की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है और इसके बाद में अब आने वाले समय में एक दो दिन के भीतर ही जो प्रत्याशी है उसके नाम का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। सिर्फ प्रत्याशी के नाम के साथ ही वहां पर जो रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी, इस पर भी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की गई, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। जी बिल्कुल, तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और इसमें फिलहाल मंथन हुआ है लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर।